हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि थंब रूल के बारे में, कि जो स्टील स्ट्रक्चर है उसमें स्टील का जो है, हम जो क्वांटिटी निकालते हैं कोई भी चीज़ का, वॉल्यूम निकालते हैं, उसमें स्टील कितना लगता है। जैसे बीम में कितना स्टील लगेगा, कॉलम में कितना स्टील लगेगा, स्लैब में कितना स्टील लगेगा, फुटिंग में कितना स्टील लगेगा। तो ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ स्टील हम लगाएंगे, तो वो मैं आज आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो अब जैसे टॉपिक देख रहे हैं, थंब रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ स्टील हम लगाते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया कुछ पॉइंट है, जैसे कि स्लैब है। स्लैब में 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, जो टोटल वॉल्यूम होगा उसका 1% ऑफ स्टील लगेगा स्लैब में। बीम में 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, आपका स्लैब का बीम का जो टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जैसे 10 m³, 20 m³, जो भी होगा टोटल वॉल्यूम, उसका 2% स्टील बीम में लगेगा, सेम उसका 1% स्टील स्लैब में लगेगा। कॉलम में जैसे आपके कॉलम का है 4 m³, टोटल वॉल्यूम 4 m³ है, तो उसका 4 m³ का 2.5% ऑफ स्टील हमें कॉलम में लगने वाला है। सेम आ जाता है फुटिंग में आपका अगर 10 m³ है तो इसका 0.8% ऑफ स्टील लगेगा, टोटल वॉल्यूम का 0.8% स्टील लगेगा। उसके बाद जो बचेगा 0.8% के बाद जो बचेगा वो हमारा टोटल हो जाएगा कॉन्क्रीट की वॉल्यूम, कॉन्क्रीट लगेगा। तो ये चार पॉइंट मैं आज लेके चल रहा हूँ। तो फिर इसका कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ मैं बताऊँगा। तो लेट्स अज्यूम, हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना है, अभी 5 m³ है, सब में मैं 5 m³ अज्यूम करके चल रहा हूँ। आपका जितना साइड पर आप उतना ले सकते हो। तो 5 m³ मैं अज्यूम किया, 5 m³ मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है। तो इसको स्लैब में पहले देखेंगे, तो स्लैब में देखेंगे तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर, कितना परसेंट स्ट्रक्चर में, कौन से स्ट्रक्चर में कितना परसेंट स्टील लग रहा है, तो इसलिए हम लिए परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हमारा कितना, मैंने अज्यूम किया 5 m³, 5 डेंसिटी ऑफ स्टील। अगर आपको पता नहीं है डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, तो ये कांस्टेंट होता है 7850, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ये 7850 और परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारा स्लैब का परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है स्लैब का। तो हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 392.5 kg। तो जो भी हमारा वॉल्यूम है 5 m³ में, हमारा इतना kg स्टील लगेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो जाएगा आपको, आप भी कैलकुलेशन करके देखो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद बात करेंगे हम बीम की, तो बीम में कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे एक चेंजेस है, आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट और डेंसिटी ऑफ स्टील सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हमारा 5 m³ है, डेंसिटी ऑफ स्टील हमारा 7850 है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज 2 आ जाएगा, क्योंकि हम बीम की बात कर रहे हैं। बीम में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ, 2% दिया हुआ है, स्लैब में 1% दिया था, तो हम बीम की बात कर रहे हैं तो 2%, तो हम यहाँ पे 2% लेंगे, यहाँ पे हम 2% लेंगे। तो अब इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 785 kg हमारा स्टील लगेगा टोटल 5 m³ जो हमारा वॉल्यूम है बीम का, उसमें टोटल 785 kg स्टील लगेगा। अगर आपका 785 kg नहीं लग रहा है तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो आप ये हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, स्लैब में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील लगेगा, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए इजी होगा समझने में, कैलकुलेशन करने में, तो ये आपको बहुत मदद करेगी। तो इसके बाद बात करते हैं कॉलम की। कॉलम में भी सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर। सिर्फ परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हमने 5 m³ लिया है। मैं एग्जांपल के लिए, आपके पास आपका जितना साइड पे आता है वो हिसाब से लेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टील कॉन्स्टेंट रहता है, तो यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है 2.5%, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2.5%। तो 2.5% वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट डेंसिटी ऑफ स्टील
2.5% मैंने यहाँ पे ले लिया है। 2.5% लेने के बाद यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 981.25 kg। 981.25 kg हमारा टोटल स्टील लगेगा 5 m³ में। अगर हमारा कॉलम का क्वांटिटी 5 m³ है तो हमारा 981.25 kg स्टील लग जाएगा। तो अब लास्ट पॉइंट बात करते हैं फुटिंग। फुटिंग का भी सेम प्रोसीजर है, बट इसमें वही मैं बोला ना, स्टील परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील 5 m³ हमने लिया है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट और डेंसिटी ऑफ स्टील 7850, परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर 0.8%, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फुटिंग का हमने 0.8% हम लिया है स्टील का। अब इसको टोटल कैलकुलेट करोगे, पूरा टोटल कैलकुलेट करोगे इसको, तो 314 kg हमें स्टील मिल जाएगा। तो हमें फुटिंग में 5 m³ जो हमारा टोटल वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट था, उसमें हमारा 314 kg स्टील लग जाएगा। 314 kg स्टील मतलब 0.8% स्टील हमारा कितना हो जाएगा, 314 kg। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।